पीसमेकर के पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्लेमसन भी उन एलियंस के कब्जे में था। पीसमेकर जॉन से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ही उसके फादर जेल में थे। वो उसे खूब गाली देता है और जॉन की दाढ़ी काफी मजाक बनाता है। क्लेमसन से मिलने एक आदमी आता है, इसका नाम कैप्टन लॉक है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। वो दोनों अपने सीक्रेट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो क्या था उसे हमें बताया नहीं जाता। पुलिस ऑफिसर सोफी को स्मिथ बताता है कि इन सब के पीछे उसके बेटे का हाथ है, जिसके बाद वो उसके फिंगरप्रिंट का सैंपल चेक करती है और उसे पता चलता है कि क्राइम स्पॉट पर मिले उंगलियों के निशान और स्मिथ के उंगलियों के निशान अलग अलग हैं। सोफी को यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे पीसमेकर का हाथ है और वो उसे गिरफ्तार करने जाती है। दूसरी तरफ उनकी टीम उस एड्रेस पर आती है जिसका जिक्र उस विजिटिंग कार्ड पर था। पीसमेकर इस बार एक्सरे वाला हेलमेट पहन के आया था ताकि वो लोगों के सिर के आर पार देख सके। वो अंदर जाता है और उन सभी के सिर को गोलियों से उड़ाने लगता है। एमिलिया को पता चलता है कि ये फैक्ट्री उनके खाने का हब है क्योंकि वो सिर्फ इसी को खाकर जिंदा रहते हैं। वो एलियंस उन्हें देख लेते हैं और एक साथ उन्हें मारने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। पीसमेकर देखता है कि वो सभी उस रूम के गेट के बाहर खड़े थे और उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। वो सभी उस धमाके में एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें एक गोरिल्ला मिलता है। अब वो अंदर क्या कर रहा था वो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत तेज और ताकतवर था और वो उन्हें बहुत मारता है। लेकिन इससे पहले वो गोरिल्ला पीसमेकर को मार देता, जॉन उस गोरिल्ला को बीच से काट देता है और इस तरह वो एलियंस के सप्लाई हब को बर्बाद कर देते हैं। सोफी को पीसमेकर को अरेस्ट करने का वारंट नहीं मिलता क्योंकि उसके नए कैप्टन ने किसी तरह उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करवा दिया था, जिससे ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि पीसमेकर उस क्राइम सीन पर था। उनका नया कैप्टन क्लेमसन के साथ काम करता था, लेकिन वो पीसमेकर को बचा रहा था और यहाँ ये समझ पाना मुश्किल था कि क्लेमसन अपनी टीम के साथ है या उन एलियंस के साथ। पीसमेकर और लियोटा उस दिन एक साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और पीसमेकर उससे कहता है कि ईगली के बाद वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि लियोटा उसके घर में एक डायरी रख देती है, वो भी पीसमेकर को बिना बताए। इसके बाद वो अपने बेस पर आती है जहाँ पर उसे पीसमेकर का हेलमेट दिखाई देता है, जिसे पहनकर वो चीजों के आर पार देख रही थी, लेकिन गलती से वो क्लेमसन को देख लेती है और उसके सिर के अंदर उसे वो बटरफ्लाई दिखाई देती है। लेकिन क्लेमसन तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। वो लियोटा का पीछा करता है, उसे लगा कि क्लेमसन उसे मार देगा, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया आती है। वो उससे क्लेमसन को मारने के लिए गन मांगती है, पर एमिलिया उसे समझाती है कि डरो मत, क्लेमसन तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और इसके बाद वो उसे बताता है कि वो सभी बटरफ्लाइज दूसरे प्लेनेट से आए हैं जहां पर अब लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद उन्हें अर्थ प्लेनेट मिला जहां का एनवायरनमेंट उनके रहने के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो इंसानों के ब्रेन पर कब्जा कर सकते हैं तो वो उन्हें अपना होस्ट बनाने लगे और अब उनका प्लान है कि वो इस धरती के सभी पावरफुल लोगों को अपना होस्ट बनाएंगे। उनकी टीम में अब पीसमेकर को छोड़कर सभी को क्लेमसन के बारे में पता था। दूसरी तरफ सोफी पीसमेकर के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो एक बड़े लॉयर से बात करके उसके खिलाफ सर्च वारंट निकलवा लेती है और स्मिथ को भी बेल मिल जाती है। वो जेल से आजाद हो जाता है और इस बार वो अपने बेटे को एक बड़ा सबक सिखाना चाहता था। पीसमेकर विजिलांटे के साथ अपने घर में था जहां पर वो बटरफ्लाई उससे इशारों इशारों में बात करने की कोशिश करती है। पीसमेकर उसे हाँ या ना में जवाब देने को कहता है। क्लेमसन उसे कॉल करता है ताकि वो उसे बता सके कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। इसके बाद वो विजिलांटे को कॉल करता है। जब वो घर के बाहर देखता है तो बाहर पुलिस खड़ी थी। इसके बाद वो दोनों उस घर की छत से बाहर भाग जाते हैं। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है जहां पर उन्हें लियोटा की छिपाई हुई डायरी मिलती है। सोफी उसके ईगल को उड़ते हुए देख लेती है। इसका मतलब ये था कि पीसमेकर कहीं आसपास ही था। उनका पीछा करते हुए वो जंगल में आती है और वो दोनों उसके सिर के ऊपर एक पेड़ पर खड़े थे। विजिलांटे उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन पीसमेकर उसे ऐसा करने से मना करता है। जब वो दोनों दूसरे पेड़ पर जा रहे थे तो विजिलांटे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा सोफी के सामने आकर गिरता है और जिस बटरफ्लाई को उसने जार में कैद किया था वो बाहर निकलकर सीधा सोफी के शरीर में घुस जाती है। वो दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन कैप्टन लोके उन्हें मार देता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। सोफी दोबारा से जिंदा हो जाती है और इस बार वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी क्योंकि अब सिर्फ उसका शरीर ही सोफी का था। जॉन को पता चलता है कि जिस फैक्ट्री को उन्होंने बर्बाद किया था वो उन बटरफ्लाइज के फूड का मेन सोर्स नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक कंटेनर में उनका खाना आता था। जॉन उसे ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो बाकी सभी एलियंस को इकट्ठा करती है और उन सभी के पास अपनी खुद की छोटी छोटी स्पेसशिप थी। वो सभी को पुलिस स्टेशन में लाती है और वो बटरफ्लाइज उन सभी पर हमला करके उनके दिमाग पर काबू करने लगती है। इसके बाद उन सभी बटरफ्लाइज को अपना एक इंसानी शरीर मिल गया था। इसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जो कई सालों के बाद अपने व्हाइट डेविल के सूट को पहनता है क्योंकि उसने फैसला ले लिया था कि इस बार वो पीसमेकर को मार देगा। एमिलिया पीसमेकर की गन पर उसका लोगो प्रिंट करवा देती है और उसे कहती है कि इस बार उसके सामने कोई भी हो वो उसे मारने से पहले एक बार भी ना सोचे।
वो न्यूज में देखते हैं कि उनके शहर में हुई सभी हत्याओं का इल्जाम पुलिस पीसमेकर पर डाल देती है, क्योंकि अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन बटरफ्लाइज के कब्जे में था और लियोटा की छिपाई हुई डायरी उनका एविडेंस था। इसका मतलब उसने पीसमेकर को जानबूझकर फंसाया था। पीसमेकर अपने उस दिन को याद करता है जब उसके फादर ने उसके और उसके भाई के बीच में फाइट करवाई थी। वो बस एक नॉर्मल गेम था, लेकिन उस गेम में उसने अपने भाई को ऐसा पंच मारा कि उसकी मौत हो गई और यही उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बन गया था, जिसे याद कर वो हमेशा रोया करता था। वो तीनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां से उन एलियंस का खाना आता था। एमिलिया को पता चलता है कि लियोटा अमेंडा वॉलर की बेटी है और अमेंडा के कहने पर ही उसने वो डायरी पीसमेकर के घर में रखी थी। एमिलिया उसे कहती है कि वो हमारा दोस्त है और तुमने उसी को फंसा दिया। लियोटा उससे माफी मांगती है और अब वो उसके साथ थी। रास्ते में व्हाइट डेविल पीसमेकर की ट्रक पर हमला कर देता है। वो पीसमेकर को मारने वाला था, लेकिन विजिलांटे उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, जिसके धमाके से उसे तो कुछ नहीं होता पर वो खुद को इसमें बुरी तरह से घायल कर लेता है। जॉन उससे पूछता है कि उसके फादर को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पीसमेकर को याद आता है कि उसके हेलमेट में एक जीपीएस लगा है। दूसरी तरफ विजिलांटे उनकी कार को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो कार को ज्यादा देर ड्राइव नहीं कर पाता और रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। वो उस हेलमेट को फेंक नहीं सकते थे, नहीं तो उन्हें पता चल जाता, इसीलिए वो एक रकून को पकड़ते हैं, जिसे पकड़ने में पीसमेकर के चेहरे की बुरी हालत हो गई थी। वो उसकी पूंछ से उस हेलमेट को बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफी उनके सीक्रेट बेस तक पहुंच गई थी। एमिलिया और लियोटा बाहर थे, लेकिन क्लेमसन अंदर ही था। सोफी उसे शूट करके मार देती है। उसके अंदर की बटरफ्लाई वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उसे कुचल के मार देती है। इसके बाद उनकी टीम का कोई लीडर नहीं बचा था जो उन एलियंस के खिलाफ लड़ सके। एमिलिया क्लेमसन के पास आती है और उस बटरफ्लाई में अभी भी जान बची हुई थी। वो उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहता है और मर जाता है। पीसमेकर विजिलांटे को देखता है जो उस कार में बेहोश था, और उसे बताता है कि उसके फादर उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं और वो उस हेलमेट से उसे ट्रैक कर रहे थे, जिसके बाद वो उसे बताता है कि बाकी सारे हेलमेट्स भी उसकी कार के पीछे हैं। पीसमेकर उन्हें जंगल में फेंकने जाता है, लेकिन व्हाइट डेविल के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसका ईगल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट डेविल उसे जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद पीसमेकर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर को मारने जाता है, पर व्हाइट डेविल बहुत पावरफुल था। वो उसे बोलता है कि तूने अपने भाई को मार दिया, तुझे तो बचपन में ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद पीसमेकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो व्हाइट डेविल को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने भाई को जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन उसका फादर हमेशा उसका दोष उसी को देता था। वो उसे कहता है कि तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है और वो सच का सामना नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद पीसमेकर उसे शूट कर देता है और उसके फादर की मौत हो जाती है। वो रोने लगता है, पर विजिलांटे उसे समझाता है कि उसने जो किया वो सही किया, क्योंकि उसके फादर ने ही उसे ऐसा बनाया था। दूसरी तरफ एमिलिया और लियोटा पर जूडो मास्टर हमला कर देता है और उन दोनों को हमेशा की तरह बेरहमी से मारता है। लियोटा उसे जोर का बिजली का झटका देती है और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। वो सभी हॉस्पिटल आते हैं जहां पर पीसमेकर के ईगल का इलाज हो रहा था, और अच्छी बात ये थी कि वो बच गया था। अब उन्हें लीड करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो एमिलिया को अपना लीडर चुनते हैं। और उनका प्लान था उन एलियंस के फूड सोर्स को खत्म करना, क्योंकि उसके बिना उन एलियंस का जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल था और वो अर्थ पर किसी और खाने को भी नहीं खा सकते थे। लेकिन ये बात उन एलियंस को भी पता थी, इसीलिए वो अपने फूड सोर्स को टेलीपोर्ट करके कहीं और भेजने की तैयारी करने लगते हैं। पीसमेकर की टीम उनके गोडाउन पर आती है। लियोटा अपनी माँ अमेंडा को कॉल करती है और उन्हें जस्टिस लीग से भी हेल्प मांगने के लिए कहती है, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज थे। लेकिन अमेंडा उसे कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद पीसमेकर अपने सारे हेलमेट्स निकालता है, और उनका प्लान था कि वो एंटी ग्रेविटी हेलमेट से उड़कर उसके सुपरसोनिक हेलमेट को गिराकर वहां पर धमाका करेंगे। पर लियोटा गलती से एक्टिवेट एंटी ग्रेविटी बोल देती है और वो हेलमेट अकेला ही उड़ने लगता है। वो इतने ऊपर चला गया था कि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। अब उसके पास हेलमेट को वहां तक पहुंचाने का सिर्फ एक रास्ता था। वो अपने ईगल को वहां तक हेलमेट पहुंचाने के लिए कहता है। वो उसे सब कुछ अच्छे से समझा देता है। उसे लगा कि वो समझ गया, लेकिन वो आधे रास्ते में जाने के बाद वापस मुड़ने लगता है और उसके हेलमेट को जंगल में गिरा देता है। उस हेलमेट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसीलिए वो जंगल के बीच उसे ढूंढने लगते हैं। पीसमेकर को अपने फादर के इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं, जो उसे कहता है कि अब वो उसके दिमाग में है और कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीसमेकर उसे एक एरो से शूट करके मार देता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में था। एमिलिया को हेलमेट मिल जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म जॉन को पहनाकर
उस हेलमेट को उन एलियंस के पास ले जाकर रखने के लिए कहते हैं। जॉन वैसे तो बहुत डरपोक था, लेकिन सिर्फ वही था जिसे उन लोगों ने नहीं देखा था। वो किसी तरह उस गोडाउन के अंदर आता है, लेकिन जब वो उस एलियन को देखता है तो घबरा जाता है और वो उस हेलमेट को भी रास्ते में छोड़कर वापस भागने लगता है। जब जॉन वापस जा रहा था तो एक आदमी उसके रखे हुए बैग को नोटिस कर लेता है और उन्हें जॉन पर शक हो गया था। वो अपना पूरा जोर लगाकर वहां से भागता है, लेकिन उसके मोटापे की वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। लियोटा इसी बीच उस हेलमेट को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जोर का धमाका होता है और वो सारे एलियंस अपनी काऊ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। पीसमेकर इस बार बिना किसी रहम के सभी को गोलियों से भूने जा रहा था। वो सोफी का पीछा करता है पर वो मलबे के ढेर में गिर जाता है। एमिलिया और विजिलांटे बाहर उन एलियन से फाइट कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही गोली लग जाती है और वो दोनों अधमरे हो जाते हैं। लियोटा उन्हें देख रही थी, पर इस बार वो अपने कदम पीछे नहीं हटाती और उन्हें एक ही करके मारने लगती है। एक बटरफ्लाई एमिलिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, पर लियोटा उसे बाहर निकालकर मार देती है। सोफी और पीसमेकर के बीच में फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ लियोटा आती है और वो पीसमेकर को मार खाता देख हेलमेट को एक्टिवेट करती है, लेकिन ये स्टेप उसे भारी पड़ता है और वो दीवार से टकरा जाती है। सोफी उसे समझाती है कि वो उसे नहीं मारेगी, उसे काऊ को टेलीपोर्ट करने के लिए उसकी मदद चाहिए थी। सोफी उसे कहती है कि जब हमारा प्लेनेट खत्म हुआ तो हम अर्थ पर आ गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंसान भी वही कर रहे हैं जो हमने अपने ग्रह के साथ किया था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए वो बड़े और ताकतवर लोगों को अपना होस्ट बनाकर इंसानों की गलतियों को ठीक करना चाहते थे। पीसमेकर उनके प्लान के बारे में कुछ सोचता है, लेकिन शायद वो ऐसा चाहता नहीं था, इसीलिए वो अपने हेलमेट को एक्टिवेट कर देता है जो सीधा उनकी काऊ के आर पार चला जाता है और वो मारी जाती है। वो सोफी को भी शूट करके मार देता है और उनका आखिरी फूड सोर्स भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वो एमिलिया को हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं और उनके सामने जस्टिस लीग खड़ी थी। पीसमेकर उन्हें देर से आने के लिए गाली देता है। जस्टिस लीग को उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। लियोटा उससे पूछती है कि उसने उन एलियंस का साथ क्यों नहीं दिया, जिस पर पीसमेकर उससे कहता है कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं कि वो हमारी जगह हमारे फैसले ले, और वो नहीं चाहता था कि इंसानों के साथ वो एलियंस वही करें जो उसके फादर ने उसके साथ किया था। इसके बाद पीसमेकर एमिलिया के पास आता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा थी और धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। लियोटा अपनी माँ अमेंडा वॉलर का राज मीडिया को बता देती है कि किस तरह उसने खतरनाक कैदियों का इस्तेमाल अमेरिका के खुफिया मिशंस को पूरा करने के लिए किया और सबको बताती है कि पीसमेकर बेकसूर है। इसके बाद पीसमेकर अपने घर आता है और अब उसे अपने फादर का इल्यूजन हमेशा दिखाई दे रहा था। उसके साथ वो बटरफ्लाई भी थी जिसने सोफी की बॉडी पर कब्जा किया था, लेकिन पीसमेकर ने उसे क्यों नहीं मारा ये हमें भी नहीं बताया जाता। और इसी के साथ पीसमेकर की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।